फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज संडे है और आज हम लोग गए हैं कपड़े धोने। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इंशाल्लाह आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग। आज मैं आपको बताऊँगा कि परदेश की लाइफ कैसी होती है और परदेश में क्या क्या खुद करना पड़ता है। व्यूअर्स, ये कुछ कपड़े जो हैं वो साथ वाले रूम में लड़के रहते हैं, उन्होंने धोए हैं। अब जगह भी फिल हो चुकी है तो अभी हमने भी धोने हैं। तो मौसम जो है वो आज कुछ इस तरह का है, इतवार था आज और हमने कहा चलें धूप निकली हुई है कपड़े धो लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज जो है ना वो कोई मज़े की धूप निकलेगी। अभी जो है सूरज बादलों में जो है ना वो आँख मचोली खेल रहा है। सर्फ एक्सल जो है वो मैं बाहर शॉप से ले आया, अभी जो है वो कपड़े निकालते हैं धोने वाले। कपड़े वीवर्स मैंने निकाल लिए हैं, अभी इनको जो है ना वो भिगोते हैं, भिगो के जो है वो फिर इनको जो है वो हम धूप में डालेंगे। ये हमारी रूम्स के साथ अटैच किचन है जहाँ पे लड़के खाना वगैरह बनाते हैं। मैं तो होटल पे मेस करता हूँ, पहले इनके साथ करता था, अब छोड़ दिया। ये किचन है जहाँ पे लड़के खुद खाना बनाते हैं, परदेश में ये काम चलते रहते हैं। सर्फ डाल दिया बाल्टी के अंदर मैंने, मैंने भिगो दिए हैं और अभी वेट करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो मेरा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा दोस्त है जेगम पास, वो आ रहा है। उसको अभी फिर दोबारा जो है वो मकान दिखाना है, उसकी रिहाइश का बहुत मसला है। तो मैं बात कर रहा था परदेश में रहने की। परदेश में जब आप रहते हैं फिर आपको काम खुद करने पड़ते हैं। वैसे भी कहते हैं कि जो है वो अपना काम खुद करना जो है वो सुन्नत होती है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मेरा व्लॉग जो है, हम जाने लगे हैं मकान में अपने कोलीग मिस्टर जीशान साहब के पास और hello. अभी हमें ये अपना मकान दिखाएंगे जो हमें देने वाले हैं। बेगम साहब सामने आ ज़रा, ये इनकी वजह से जो है वो मैं पिछले 3-4 दिन से जो है ना वो धक्के खा रहा हूं। ये जीशान साहब ने अपना जो है वो एसेट्स बनाया हुआ है। वाह क्या बात है सर जी, क्या बात है भाई, क्या ये बात होगा बात। ये कमरा आई थिंक उन्होंने लेबर वालों को दिया हुआ है और ये भी उन्होंने दिया हुआ है। ये 4 कमरे बनाए हुए हैं, 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ से सीधा फुर अमेरिका। ये बंद है यार, ये छत पे सीढ़ियाँ जा रही हैं और हम छत का सीन भी देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं। पर्दे भी लगी हुई है शायद, हाँ लगी हुई है। आराम से बैठ के हो माशाल्लाह, साफ कर ले आराम से बैठ के बंदा जो है ना वो इतवार को बंदा कपड़े वगैरह भी धो सकता है, कोई इशू नहीं है ना, क्या ख्याल है? पानी की टैंकी भी बड़ी लगी हुई है, ठीक है, पानी की भी कमी नहीं है। ये व्यूवर्स देख सकते हैं आप, आज हम जो है वो नई जगह देखने आए हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था हम एक जगह देखने गए थे, लेकिन वो तो कोई ख़ास मुझे पसंद नहीं थी। अब जैगम भाई हैं हमारे दोस्त हैं भाई हैं, वापस हम गए थे मकान देखने। तो कपड़े जो मैंने भिगो के रखे थे वो अभी मैं लगा हूँ धोने। अभी मैंने धो लिए हैं, ये एक मेरी शर्ट थी, ये एक मेरा सूट था और ये एक मेरी और शर्ट थी और 2 बनियान, ये मैंने धो लिए हैं।
बाकी ये एक मेरा साथ वाला रूममेट है, उसने धोए हैं। ये नीचे गंद पड़ा है काफ़ी सारा, ये आज उठाने वाला भी नहीं आया। वैसे वह संडे को उठाने आता है हमारा, इतवार के इतवार सफाई वाला आता है तो वो सफाई भी करता है और गंद भी उठाता है। मैंने धो ली हैं और ख़त जो है वो मेरा पिछले इतवार मैंने बनवाया था, तो अभी मेरी रफ सी कंडीशन बनी हुई है, तो अभी मैं जा रहा हूँ ख़त बनवाने। अभी मैं पहुँचा हूँ वापस अपने रूम में, ख़त करवाने गया था। तो परदेश में यही लाइफ होती है जो मैंने आपको दिखाई है, परदेश में सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो अगर आप प्रदेश में रहते हैं तो उम्मीद है अभी ये इस तरह के सारे काम करते होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे जो है वो 200 सब्सक्राइबर्स 200 प्लस हो चुके हैं, और मुझे खुशी भी हो रही है कि मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं। आप लोगों का प्यार जो है वो मुझे मिल रहा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।